IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टानिया जॉर्जिवा ने भारत की तारीफ की है और कहा कि इस कठिन समय में भी भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत संरचनात्मक सुधारों में आगे है। दरअसल IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शामिल हुई थी। इस मौके पर उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी की तरह उभरा। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते के हमले का एक और मामला सामने आया। इस बार इस खूंखार कुत्ते ने 11 साल की लड़की पर हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह लहूलुहान हो गई। बच्ची अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए सोसाइटी के कैंपस में गई हुई थी, तभी वहां बाहर घूम रहे पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के दोनों पैरों में कई जगह काटा। हालांकि गनीमत रही कि वहां मौजूद गार्ड ने किसी तरह लड़की को बचा लिया। बताया गया कि पिटबुल के मालिक ने उसे खुला छोड़ रखा था, जिसकी वजह से उसने हमला किया। आरोप है कि इससे पहले भी इसी सोसाइटी में पिटबुल कई लोगों को निशाना बना चुका है और ये डॉग पिटबुल पहले भी 3-4 लोगों पर अटैक कर दिया है इसने और ये लोग छुपा रहे हैं। पिटबुल के हमले का ये मामला इंद्रपुरम के रामप्रस्था ग्रीन की सीबीटेक सोसाइटी का है, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब पिटबुल का आतंक देखने को मिला हो। इससे पहले लखनऊ में एक पिटबुल ने 82 साल की बुजुर्ग महिला को नोच नोच कर मार दिया था। इसी साल देश के अलग अलग हिस्सों से पिटबुल के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसीलिए एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पिटबुल कुत्तों की वजह से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान गई। पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है और जिन लोगों पर कुत्तों का हमला होता है उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जिन पर पिटबुल ने हमला किया हो। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की जाती रही है कि इस नस्ल को लेकर वो बेहद सावधानी बरतें। पिटबुल कुत्ता दो खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग और दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के मेंबरों के साथ घुल मिलकर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत है। इसीलिए एक बार अगर जिद पर उतर आए तो इनका काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकते। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन के करीबी और रूसी सुरक्षा परिषद के एक अधिकारी ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि यूक्रेन अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो। और इसी वजह से रूस ने यह धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन को तबाह करने के लिए परमाणु बम गिरा सकते हैं। यही नहीं, वो कई बार पश्चिमी देशों को भी एटम बम से निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। पुतिन के जानने वालों का कहना है कि वो कोई कोरी धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि अगर पुतिन को यूक्रेन की जंग में हार दिखने लगी तो वो एटम बम गिराने से नहीं चूकेंगे। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन रूसी सुरक्षा परिषद के एक अधिकारी अलेक्जेंडर विनेदिकोव की धमकी ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि विनेदिकोव ने यह चेतावनी दी कि अगर नेटो ने यूक्रेन को सदस्यता दी तो यह जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। मतलब यह कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अगर नेटो ने यूक्रेन को सदस्यता दी तो पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ खुले तौर पर जंग का ऐलान कर देंगे और ऐसी सूरत में वो परमाणु मिसाइल छोड़ने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। रूस की तरफ से परमाणु बम चलेंगे तो जाहिर है उसके हमले का जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नतीजा होगा दुनिया की तबाही। यही वजह है कि रूसी सुरक्षा परिषद के अधिकारी अलेक्जेंडर विनेदिकोव ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन को नेटो में नहीं शामिल करने की नसीहत दी। असल में 30 सितंबर को पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों ज़ापोरिज़्या, खेरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क को रूस में मिलाने का ऐलान किया था। उनकी इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ज़ेलेंस्की ने नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन कर दिया था, जिससे पुतिन आग बबूला है। वो ये नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, क्योंकि अगर यूक्रेन इस सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया तो पश्चिमी देशों की सेनाएं उनके दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी, जो पुतिन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह भी यही है। जंग से पहले यूक्रेन हर हाल में नेटो में शामिल होना चाहता था, जबकि पुतिन उसे बार बार ये जिद छोड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन की एक न सुनी और वो अपनी जिद पर अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया,
पुतिन के इस अभियान से डरकर फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन कर दिया। हालांकि अभी तक उन्हें इस सैन्य गठबंधन की सदस्यता नहीं मिली है और दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को भी नेटो में फौरन शामिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ ही जंग का बिगुल बजा देंगे। अमित शाह ने गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात में फरी एक बार शांति सुशासन समृद्धि शासन आवे। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बल ने एक इलाके से 3 आईडी बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक यात्री के पास से कस्टम्स विभाग ने करोड़ों का सोना जब्त कर लिया। बताया गया कि उसने सोना कमर में बांधने वाली बेल्ट में छुपा रखा था।